नमस्ते, आप सभी को फिर से आ गई हूँ मैं नई वीडियो लेके। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो मेरे चैनल को आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज का टाइटल लेके तो आप लोगों को समझ में आ गया, आज भी मेरा वीडियो है मैकला के ऊपर, रिगु रिकाउशा के कलेक्शन के ऊपर है। और आज का भी मेरा गेटअप है, मैं फुल दिखाऊंगी। और तो मैंने देखिए ब्लैक कलर का रिगु लगाया है, जो मेरे वीडियो में मैंने पिंक कलर का जब मेरा कलेक्शन दिखाया था उसमें ये दिखाया था, ये ब्लैक कलर का, तो उसे मैंने आज लगाया है। ये ब्लैक कलर मैंने आज दूसरी बार लगाया है, इसके पहले एक बार लगाया है। तो ये है मेरा आज का लुक। दिन में दिखाती तो आप लोगों को और अच्छे से दिखाई देती, लेकिन अभी रात को शूट कर रही हूँ तो यही है। ब्लैक कलर रिगु के साथ मैंने ब्लैक कलर का ये कलरफुल ब्लाउज लगाया है, जो इतना सारा डिफरेंट कलर में है, जो सभी के साथ आ जाता है। यही एक बेनिफिट है इस ब्लाउज का। यही तक ये आज के भी मेरा ऐसा गेटअप है, क्योंकि आज दिन में एक प्रोग्राम था, हम लोग करीमगंज से मेनली इस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए आई है। मेरा टाइटल है लंगटसा, मैं लंगटसा हूँ, और मेरे हस्बैंड का टाइटल है डावला गजाओ। और आज डावला गजाओ का दिन में मीटिंग था, और वो मीटिंग हुआ मेरे बड़े पापा के घर, मेरे ससुर जी, मेरा फादर इन लॉ का बड़ा भाई है, उसके घर पे हुआ है मीटिंग। तो आज भी हम लोग सुबह उठ के जल्दी जल्दी खाना खा के वहाँ मीटिंग में चले गए, फिर वहाँ पर भी थोड़ा बहुत काम करना था बोल के मैंने इतना तो नहीं किया, चाय बनाया, चाय डिस्ट्रीब्यूट किया, और थोड़ा मोरा जो काम हो पाया मुझसे मैंने वो किया। और तो सारा दिन भर वहीं पर ही थी, इसीलिए मैंने आज भी दिन में वीडियो नहीं बनाया, अभी रात को आके वीडियो बना रही हूँ। शाम को मैं आते आते 6 ऑलमोस्ट बजने वाली थी, अभी तो 7:20 हो गया है अभी। और तो मैं आप सभी को वीडियो बनाते बनाते चाय पीऊँगी, दूध चाय, काफ़ी दिन हो गया है मैंने दूध चाय नहीं पिया, तो अभी मैं पीऊँगी। मैं आते आते 6 बज गया शाम का, क्योंकि वहाँ पर भी बहुत अलग अलग जगह से भी लोग आए थे, तो वो लोग सब गए, फिर उसके बाद मैं आई। मेरा सिस्टर इन लॉ, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, हस्बैंड कोई नहीं आए, मैं ही सिर्फ आ गई, क्योंकि यहाँ घर में भी और एक मेंबर थे, मेरा मामा जी, मेरा मामा ससुर का डॉटर यहाँ पर रहती है, यहाँ पर रह के पढ़ाई करती है, क्योंकि उन लोगों का घर यहाँ से स्कूल से थोड़ा दूर है, तो यहाँ पर लेके वो पढ़ती है, तो वो अकेली थी बोल के मैं पहले आ गई। तो आप सभी को मैं दिखाती हूँ मेरा आज का रिगु कलेक्शन, और सबसे पहले मैं दिखाती हूँ मेरा एक रिगु, क्योंकि मैं इसीलिए इसको दिखा रही हूँ क्योंकि मेरे 2 वीडियो में भी मैंने बोला है मैं मेरे हर कपड़े में भी लेस लगाती हूँ, आप लोगों को भी लगाना चाहिए लेस। तो उसका रीज़न मैं आज दिखाती हूँ, मेरा रिगु का लेस लगाने का रीज़न। मेरा भी ये ख़राब हुआ क्योंकि ये बहुत पहले बनाया, शायद मुझे इतना याद नहीं है, लेकिन 2015 के आसपास का है शायद ये रिगु, मैंने तब बनाया, तब तो मुझे इतना बनाना भी नहीं आता था, मतलब आती थी, लेकिन अभी जितना आता है कलर कॉम्बिनेशन या जो भी बोलो, आप जितना बनाते जाएंगे आपका और एक्सपीरियंस होता जाएगा, तब तो मैं इतना नहीं बनाती थी। और मैंने हॉस्टल में रह कर पढ़ाई की है, तो जब हमारा समर वेकेशन मिलता था तब जब घर आती थी तब मैं बनाती थी। तो ये है देखिए, ये रिगु रिकाउशा है, रिगु सेट है, तो ये रिगु है, ये बोर्नाली शंगनांग किया है और पार्ट से डॉ शंगनांग किया है। और मेरा लेस लगाने का रीज़न है ये, ओह माय गॉड, आप देख पा रहे होंगे, देखिए पूरा खींच गया है ये, अभी इसको मैं ऐसा खींचूँ फिर भी ये ठीक नहीं होगा क्योंकि पूरा ख़राब हो गया है। और कपड़ा तो ख़राब नहीं हुआ, मैं इसे अभी भी लगाती हूँ, लेकिन डिफेक्ट आ गया है इसमें, अभी तो मैंने लगा लिया है, देखिए लगा लिया है, लेकिन पहले ही ये ख़राब हो गया, तो अभी तो मैंने और ज़्यादा ख़राब नहीं होने के लिए लगा लिया, क्योंकि तब मुझे भी इतना नॉलेज नहीं था इन सब का। तो अभी बोल के भी क्या करूं, इसका तो और कुछ होगा नहीं, लेकिन आप लोगों का कपड़ा मेरे जैसा ना हो इसलिए मैं बोलती हूँ, आप लोग जब भी ऐसा बड़ा रिकू वाला कपड़ा बनाए तो
तो उसमें ये बैक साइड में लेस ज़रूर लगवाए, क्योंकि इससे लगाने से ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं होगा और शायद से हार्डली 50 रुपीज़ ज़्यादा एक्स्ट्रा प्राइस होगा, तो लेकिन लास्टिंग ज़्यादा होगा और ऐसा मेरे जैसा ऐसा ख़राब नहीं होगा, कपड़े का ड्यूरेशन ज़्यादा होगा। तो मेन रीज़न मेरा। और तो अभी मैं मेरा कॉटन का कलेक्शन दिखाती हूँ, सभी तो मैं नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि जैसे कि मैंने मेरे पहले वीडियो में ही बोला, मेरा कुछ कपड़ा मेरा ससुराल में है, कुछ मायके में और कुछ करीमगंज में। तो मैं रिकू दिखाती हूँ कॉटन में, ये ग्रीन कलर में देखिए, ये कॉटन में है। मैंने पहले अब तक नहीं लगाया, एक बार भी नहीं लगाया है, पूरा नया है, कभी लगाऊंगी। तो इसका देखिए रिको, सिंपल सा है ये एक गया कॉटन, ये एक है, फिर नेक्स्ट है ये। आप लोग कमेंट कीजिएगा मेरा सिंगल लड़कू का कलेक्शन कॉटन में कैसा लगा आप सभी को। और इसका तो देखिए दिलम्बलाई है और समटाई मेन, और इसका जो बोकरो है इससे तो अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम बोलते हैं, मुझे तो ये खाइलिम बोकरो के नाम से पता है। और इसका फूटा भी आखी बुबार भी नहीं है, ये क्या है थोड़ा अलग है। तो ये है मेरा रिगो, ये भी नया है पूरा, एक बार भी नहीं लगाया ये वाला भी, क्योंकि सब ऐसे एक एक करके लगा के रख देने से तो नहीं होगा, तो मैं कुछ रखी हूँ बिना लगा के, कभी लगाऊंगी। और ये वाला का अभी जो दिखाऊंगी, इसका कलर बहुत सुंदर है, मुझे इसका कलर बहुत पसंद है। ये है, ये तो मैंने एक दो बार लगाया है, ये है कलर में ये मेरा फेवरेट है, मुझे ये बहुत सुंदर लगता है। देखिए इसका है ये दिलम्बट है और रैनबट है रेनगिन, और ये मीशा, इसका फूटा भी मुझे नहीं पता नाम, देखिए क्योंकि हर फूटा का नाम नहीं होता, कोई थोड़ा इनोवेट करके बना लेते हैं, फिर उसका वाला पसंद आए तो उसका वाला ग्राफ लेके हम लोग बना लेते हैं, इसलिए हर फूटा का तो नाम तो नहीं होता है। तो एक गया ये, तीन गया है मेरा कॉटन का। और एक मैं दिखाती हूँ ये सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है कॉटन में, मेरा कलेक्शन में ये मेरा फेवरेट है। देखिए इसका रिकू है ये रोइना भट्टा दिलम भट्टा है, फिर मिशा, इसका मेरा फेवरेट होने का रीज़न है इसका फूटा। देखिए मेरा फेवरेट का रीज़न यही फूटा है, बटरफ्लाई है छोटा छोटा, देखिए बटरफ्लाई है, इसका फूटा ही इस रिकू का मेन सुंदरता का कारण है। तो ये इससे तो मैंने शादी के बाद काफ़ी बार लगा लिया है, जब मेरा शादी करके मैं यहाँ ससुराल में नहीं आई थी तब मैंने लगाया है, और तो अभी मैं रख दिया क्योंकि इससे ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने सोचा इसे जब मैं मंदिर में जाऊंगी तब लगाऊंगी, मंदिर में नहीं मतलब मैं थोड़ा फेवरेट बोल के कुछ अलग अलग का ओकेशन होगा तब लगाऊंगी। और आज मैं सिर्फ चार ही मेरा कॉटन का रिकू दिखा रही हूँ, मैं जब मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा तब मैं और कलेक्शन दिखाऊंगी, आज तो मैं सिर्फ चार ही दिखा रही हूँ। और अभी मैं दिखाती हूँ ये वाला कॉटन में नहीं है, ये वाला शंगना किया है पॉलिएस्टर में, और डाउ शंगना किया है पाद में। देखिए और इसका रिकू देखिए, इसका रिकू बहुत सुंदर है, वीडियो में इतना सुंदर नहीं आ रहा है लेकिन मतलब पास से दिखने से ये ज़्यादा सुंदर लगता है वीडियो से। ये है दिलम्बलाई शामताई मेन प्राफंग, ये गेडेबा है और ये तो फ्लावर, और इसका ये फूटा भी फ्लावर है। देखिए ये सिंगल रिगू है, तो ये एक हो गया,
और एक है ये भी बर्नाली सॉरी ये भी पोलिस्टर से शेंगनंग किया है और हाथ से डॉग शेंगनंग किया है। देखिए ऑरेंज कलर में ये वाला रिक का नाम मुझे भी नहीं पता है, रोइना बटाई रेंडियन गिबिम के जैसा है, लेकिन अंदर का वाला जो जोर्सिक्लिक है वो जोर्सिक्लिक नहीं है, थोड़ा डिफरेंट है, देखने से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और इस होल रिग में सबसे फेवरेट है मेरा ये बकरो, ये बकरो बहुत सिंबल है और बहुत सुंदर है, देखिए थोड़ा अलग भी दिखाई देता है। तो ये है तो मेरा सिंगल रिगो का कलेक्शन ख़त्म। और कोई कोई कमेंट करता है कि मैं ये सेल पर्पज़ के लिए हूँ, तो मैं ये सेल के लिए नहीं हूँ, मैं आप सभी को ये वीडियो दिखाती हूँ क्योंकि मैंने दूसरों का फ़ोटो से कुछ आइडिया लिया है, फिर आइडिया लेके मैंने भी बनाया है। जैसे मैंने पहले का पिंक कलर का वीडियो में बोला था कि मैंने दूसरों का फोटा देख के वो फोटा बनाया है, तो आप लोगों को भी मेरा ये रिगू से एक आइडिया मिल जाएगा, जो जो नया कपड़ा बनाना सीखा है जिसे इतना नॉलेज नहीं है किसके साथ क्या बनाना है और कौन सा कलर के साथ कौन सा कलर कॉम्बिनेशन ज़्यादा अच्छा लगता है, तो दूसरे का जब हम लोग देखते हैं तो और आइडिया मिलता है खुद का वाला और अच्छे से बनाने का, मुझे तो ऐसा लगता है। और मैंने जब मेरा येलो कलर का कलेक्शन दिखाया था रिगू रिकाओ सा, तब मैंने बोला था कि मेरे यहाँ ससुराल में भी मेरा येलो कलेक्शन का रिगू रिकाओ सा है, तो मैं वो भी दिखाती हूँ। और वो है ये सिंपल में है, इसमें कोई प्लेन है फूटा कुछ नहीं है, सिंपल है, देखिए इसमें है दिलम्बटाई और प्रापंगे डिब्बा और इसका बकरो है मीशा, सिंपल। तो ये है और इसका रिकौसा है, इसका रिकौसा है ये जो मैं अभी दिखाती हूँ, इसका रिकौसा भी देखिए सिंपल है, ये है इसका सबसे इस रिकौसा का सुंदरता ये कलर है, ये बैक साइड में ये जो कलर है ना ये रेड है ना पिंक है, देखिए ये कलर बहुत सुंदर है। और इसका रिको तो मुझे भी नाम तो नहीं पता है, देखिए तो यही तक ही है मेरा आज का रिको का कलेक्शन और एक रिकॉक्शा। और मैं आप सभी को बोलना चाहती हूँ मेरा दोनों वीडियो में भी मुझे बहुत ज़्यादा प्यार मिला है, बहुत व्यूज़ मिले हैं, मेरे लिए बहुत है क्योंकि मैं अभी मैंने वीडियो बनाना अभी अभी स्टार्ट किया है, आज 5 मार्च है, आज मेरा 2 महीना कंप्लीट हुआ है, मैंने 5 जनवरी को मेरा फर्स्ट वीडियो डाला था। तो आप सभी को थैंक यू मुझे इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए, और मैं उम्मीद करती हूँ मुझे आगे भी ऐसे ही प्यार और सपोर्ट मिलते रहेंगे। लेकिन और एक दुख की बात भी है, मेरा येलो कलर का कलेक्शन 3000 हो गया है उसका व्यूज, और पिंक कलर कलेक्शन का 1000 का अबव हो गया है, अब तक 1100 अबव हो गया है, लेकिन व्यूज़ तो मुझे मिलता है लेकिन सब्सक्राइबर इतना नहीं मिलता है, तो वो भी एक दुख लगता है कि आप लोग देखते तो है मेरे वीडियो को लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, मैं भी इतना मेहनत करके वीडियो बनाती हूँ, कोशिश करती हूँ आप लोगों को अच्छा अच्छा कंटेंट दूँ, और मेरा कपड़े का कलेक्शन भी मैं दिखाऊँ, मैं हर रोज़ तो नहीं दिखा पाती कपड़े का, तो क्योंकि इतना सारा स्टॉक तो एक जगह पर तो नहीं है मेरा भी, अलग अलग जगह पे है, तो इसलिए फिर भी मैं दिखाऊंगी जब मेरा आगे का वीडियो आएगा उसमें मैं दिखाऊंगी। तो मैं उम्मीद करूंगी कि आप लोग ये वीडियो देखने के बाद मेरा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो यही तक ये जूठाई।